तो जो गुड़गांव का बस अड्डा है ना, इसकी सिर्फ मेरे को एक अच्छी बात ये लगती है, मतलब यहाँ पर गंद है वो बात अच्छी नहीं लगती। Hey guys, good morning and welcome back to a new vlog. फिलहाल टाइम है सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं नाइट शिफ्ट करके आया था। जैसे कि आपने पहली वाली वीडियो देखी उसमें मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ, तो आज नाइट शिफ्ट करके हूँ। सैटरडे है तो सैटरडे संडे अपने ऑफ रहता है, तो आज चलते हैं वहाँ पास झज्जर को। तो कल रात से नहीं सो रखा हूँ और कल दिन में भी मैं सोया था बट नींद पूरी नहीं हुई थी। अभी वापस से मैं नहा धो के फ्रेश होके कपड़े वपड़े धो धा के खाना खा लिया। अब 10:30 बज रहे हैं, अब चलते हैं झज्जर में। उससे पहले मुझे जाना है एक शॉप पे जहाँ पे टीवी दिया था, जिस तरह आप देख सकते हैं बैक साइड में टीवी है, सेम टीवी दिया था, कुछ खराबी आ गई थी तो वापस रिटर्न किया था वहाँ पे, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ दिया था। तो आप चेक चेक जाते हैं, चेक करते हैं कि बन चुका है नहीं या फिर रिपेयर हुआ है नहीं या फिर एक्सचेंज होना है, जो कुछ भी है चलते हैं वहाँ। उसके बाद मैं झज्जर जाऊँगा, तो आप बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग एंड तक। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले से विजिट करता रहो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी पीजी का हाल कुछ ऐसे रहता है, रूम वूम ऐसी है, अभी रूम पर कोई नहीं है क्योंकि नाइट शिफ्ट करके मैं ही आया था, जो भी आए सब चले गए। तो आप चलते हैं झज्जर को, अब बने रहे मेरे साथ एंड तक। तो अभी मैं चल दिया हूँ रास्ते में पैदल पैदल मैप को फॉलो करते हुए, और देखते हैं कि कहाँ तक जाना पड़ता है पैदल, क्योंकि यहाँ पर ऑटो मिलती नहीं है, मेन रोड पर जाना पड़ेगा हाईवे पर, उसके बाद ही हमें ऑटो मिलेगी। ये रहा अभी गुड़गांव में सेक्टर 31, और इसी के ठीक सामने है गूगल का ऑफिस, एक इधर और इधर और इधर गूगल का ऑफिस है। तो देख सकते हैं आप कितना मतलब ज़्यादा है गूगल, गूगल यहाँ पे ज़्यादा ऑफिस है गूगल गूगल के, इधर इधर सारे गूगल ही गूगल है। बाकी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ना कितने खतरनाक बिल्डिंग है गूगल की, तो बहुत तगड़ी लग रही है गूगल की। काश मेरी भी जो जॉब है गूगल में लगी होती तो मज़ा आ जाता, वहाँ पर जीने का जो मज़ा है ना वो और तगड़ा हो जाता। और ये रहे हमारे समिनी महाराजा, नाम दो रखा है। तो ये मिल गए थे बीच में शनि महाराज। अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके आया हूँ ना, तो जितना अपनी श्रद्धा होती है ना उतना चढ़ा देना चाहिए, कल्याण होगा सृष्टि का और हमारा भी। फिलहाल चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन साइड में ना कितने ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, कुछ इस तरह की और कुछ इस तरह की, मतलब जो बंदा भी इन बिल्डिंग में रहता है ना फ्लैट फ्लैट लेके, उसका मतलब जीना मुश्किल हो जाता होगा ना, घुटन सी महसूस होती होगी होगी इसको, क्योंकि यार आप इन्हें बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं और फिर आप मतलब अपनी मर्जी से मतलब इधर उधर जा नहीं सकते, लाइक टेरेस भी नहीं जा सकते बाहर, ये वो घुटन सी महसूस होते हैं। अब हमें एकदम पहाड़ से, तो हमें घूमने फिरने की आदत है ना, जिस तरह अभी पैदल पैदल चल रहा हूँ मैं, तो इसी तरह हम पहाड़ में ना पैदल पैदल चलते रहते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। अभी मैं जिस तरह कल रात में मैं सोया नहीं था, अभी थकावट है नींद भी आ रही, फिर भी पैदल पैदल चल रहा हूँ। तो इस तरह है कि यहाँ पर रहना अपने बस की नहीं है, हम नहीं रह सकते भाई। मैं पर्सनली मैं तो मतलब ऐसी जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता, थोड़ा सा भी नहीं। तो मैं अभी भी पैदल ही चल रहा हूँ और अभी 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है जो शॉप है, और मज़ा आ रहा है मतलब पैदल चलने में। आप देख सकते हैं ना कि कौन बंदा जी रहा है, कौन मर गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा फायदा है, एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, शरीर भी फिट रहता है। तो पैदल चलिए, बेशक जान ना हो शरीर में मर जाए तभी पैदल चलते रहो। तो मुझे जाना है सेक्टर 44 में, और बस चलते रहिए आराम आराम से। तो ये पैदल चलने वाला, और यहाँ से गाड़ी गाड़ी चलते रह रही है, तो हम चलते पैदल पैदल। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ हुड्डा सिटी सेंटर, ये रहा मेरे पीछे हुड्डा सिटी सेंटर। और आज मौसम अच्छा है इसलिए आज मैं पैदल पैदल चल पाया हूँ, वरना मौसम अच्छा नहीं रहता, धूप रहती तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिलहाल मेरे पीछे हुड्डा सिटी सेंटर, तो ये रहा हुड्डा सिटी सेंटर, स्पॉन्सर करता है इसको PNB कुछ इस तरह का। यहाँ पर मतलब हुड्डा सिटी सेंटर में ना कुछ ऐसा है कि आपको मतलब ऑटो वाले पकड़ के ले जाएंगे कि हाँ भाई कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो कहीं नहीं जाना है, जहाँ जा रहे हैं पैदल पैदल वहीं चलते रहना है, तो चलते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आप इन साइड में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो एकदम बच के चलना है आपको, मतलब अपना सामान कीमती सामान बचा के रखना है। इसलिए जब भी मैं कुछ मतलब ऐसे एरिया में आता हूँ ना जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा, तो मैं बैग को ही वहाँ आगे टका लेता हूँ, सेफ्टी रहती है अपनी, पता चला। तो यहाँ पे है एक हनुमान मंदिर, जय हनुमान, और सामने चल रही है गौ माता, जय गौ माता, आगे चलते रहिए। तो मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैंने क्रॉस कर लिया 4.6 किलोमीटर इन जस्ट 50 मिनट। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, मतलब स्पीड अपनी अच्छी खासी थी, पैदल पैदल चल रहा था तब भी ठीक ठाक स्पीड थी। तो मुझे जाना था गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक, जो कि सेक्टर 44 में पड़ता है, और ये रहा मेरे पीछे यहाँ पे गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक। आप जाते हैं यहाँ पे, तो एक टीवी का यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था, नया परचेज किया था। तो ये थी गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक्स,
और यहाँ पर हमने कुछ टाइम पहले टीवी परचेज किया था हमारे ही किसी नोन ने, तो उनके उसमें कुछ दिक्कत आ चुकी थी स्पीकर में, पता नहीं क्या थी, आवाज़ नहीं आ रही थी या फिर फटके आ रही थी, लाउड आ रही थी, पता नहीं क्या थी, तो उसी का कंसर्न ना था यहाँ पे, जो कि क्लियर हो चुका है, आप वो टीवी रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जिस किसी को भी चाहिए टीवी भी वो यहाँ पे आ सकता है गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक्स में, फेस 3-4 पता नहीं कौन सा, बट सेक्टर 44 है, तो यहाँ पर आ जाना, डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरी तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पर है एक बिल्डिंग, और देख सकते हैं इसमें आउटर एसी कितने सारे लगे जो कि टोटली हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने सारे यहाँ पर लगे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता होगा इनसे, मतलब आधे से ज़्यादा जो गर्मी है ना इन्हीं की वजह से हो रही है अपने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी और सिर्फ इन आउटर एसी की वजह से। तो एसी का यूज़ कम कीजिए एसी का यूज़। तो आप चलता हूँ पहले गुड़गांव बस अड्डे, उसके बाद चलते हैं झज्जर की तरफ, टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, दिन के लग नहीं रहा, दिन है, अभी भी पैदल पैदल चल रहा हूँ, यहाँ से अब ऑटो ले लेता हूँ क्योंकि अब गुड़गांव यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है 6.5। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो लाइन के पास, शायद अब यहीं से मुझे मिल जाएगी गुड़गांव बस अड्डे के लिए, पूछते हैं यहाँ से भाई बस अड्डे, गुड़गांव बस अड्डा कितने रुपये? 100 रुपये नहीं। तो अभी मैं हूँ हुड्डा सिटी सेंटर में, यहाँ से मुझे चाहिए ऑटो तो बस अड्डे के लिए, गुड़गांव बस अड्डे के लिए। हर एक ऑटो वाला किराया हाई फाई है, किसी के 100 रुपये, किसी के 80 रुपये, तो हम हैं 10 रुपये 20 रुपये वाले में, देखते हैं कोई ऑटो मिल जाती है तो, नहीं तो फिर 80 रुपये फूकेंगे पूरा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव के बस स्टैंड में, मतलब बस स्टैंड पीछे है और मैं इधर खड़े हो चुका हूं क्योंकि बसें यहीं से मिलती है। तो आ गया मैं ऑटो में, लगभग 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस अब 20 रुपये में कवर हो चुका है, तो काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं धरती पे, काफ़ी लोग अच्छे नहीं भी हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ, दो भले लोग मिल चुके थे मुझे, जिसने एक ने रास्ता बता दिया और एक ऑटो वाला मिल गया, वरना कोई भी एग्री नहीं था यहाँ पर 20 रुपये में 10 रुपये में। खैर अब मैं चलता हूँ झज्जर की तरफ, देखते हैं सर्च करते हैं बस और झज्जर। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ गुड़गांव के बस अड्डे की तरफ, गंदगी आपको यहाँ पर भरपूर देखने के लिए मिलेगी, फिर चाहे जैसी किसी भी तरह की गंदगी हो वो आपको यहाँ पर भरपूर देखने के लिए मिलेगी। तो चलते हैं फिलहाल बस अड्डे की तरफ। तो जो गुड़गांव का बस अड्डा है ना, इसकी सिर्फ मेरे को एक अच्छी बात ये लगती है, मतलब यहाँ पर गंद है वो बात अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना अपने उत्तराखंड की रोडवेज देखने के लिए मिल जाती है। बाकी वरना मेरा घर जाना होता है 6 महीने में 4 महीने में मैं घर चले जाता हूँ, क्योंकि घर वाले सारे पहाड़ में रहते ना, तो अपना काम यहाँ पर नहीं बनता है। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं अपने उत्तराखंड की बसें, सुकून मिल जाता है देख के ही, सुकून मेरे को पहाड़ जाके मिल जाता है। तो ये रही अपने उत्तराखंड की दो बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, एक इसमें से अल्मोड़ा के लिए है और एक इसमें से बागेसर के लिए है, तो दोनों अपने उत्तराखंड की बसें, तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। उत्तराखंड की रोडवेज मिल जाती है, देख सकते हैं बैक में है यहाँ पर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर। तो मुझे कभी अल्मोड़ा जाना होता है तो मैं यहीं से जाता हूँ, लास्ट टाइम मुझे अल्मोड़ा जाना था तो मैं यहीं से गया, वरना जब भी मैं घर के लिए जाता तो अल्मोड़ा वाली बस नहीं पकड़ता, सीधे दूसरी वाली बस पकड़ता हूँ। तो अब झज्जर वाली बस देखते हैं कि ये रहा गुड़गांव का बस अड्डा कुछ इस तरह के, और इन्हीं के बीच में हमारी झज्जर वाली बस भी मिल जाएगी कुछ इस तरह, देखते हैं झज्जर वाली बस कहाँ पर लगी है। फाइनली अब बस मिल चुकी है झज्जर की, तो बैठ चुका हूँ, बाकी लोग भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, चलते हैं घर की तरफ, बस एकदम मस्त से घूम रखी है, लेट्स मूव टू दी झज्जर। सुबह के 10 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और कंटिन्यू वॉक करते रह रहा हूँ, फाइनली अब झज्जर में पहुँच चुका हूँ, नाइट में सो भी नहीं रखा हूँ, नींद भी लग रही बहुत ज़्यादा। तो आप चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे सोना है और सोना है।